जबलपुर की संगम कॉलोनी में देर रात चोरों ने एक सुने घर में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर के अंदर रखे अलमारी और सूटकेस से सामान निकाला और छत पर जाकर उसकी छानबीन की, जिसके बाद करीब 70,000 रुपए नकद और 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ऐसी है कि मैं अपने साले की शादी में गया था बरगी, जो कि आज 19 तारीख को है। पड़ोसी को बोल के गया था कि थोड़ी घर में गमले रखें, उसमें पानी डालते रहना सुबह के टाइम। आज जब पड़ोसी सुबह गमले में पानी डालने गया तो उसे घर का ताला टूटा हुआ दिखा और उसने मुझे फ़ोन लगाया कि भैया आपके घर का ताला टूटा हुआ है और लगता है कि चोरी हो गई। तो मैं बरगी से 1 घंटे में गाड़ी करके घर आया हूं और अभी FIR कराने कोतवाली में आया हूं। समथिंग 1.5 से 2 लाख के बीच की चोरी हुई है, जिसमें 70,000 रुपये नकद हैं, 2 सोने की चेन है, 1 अंगूठी है, 3 लॉकेट हैं, 0.5 किलो बन्नी पायल एक और 3-4 चांदी के कड़े हैं। कहाँ रहते हैं आप? संगम कॉलोनी नेमा चक्की के पीछे। आपका नाम? अंबिका यादव गुड्डा।